हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो आपका व्यू पॉट में जो आपके कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल शार्प हैं, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका इंटरेक्टिव रेंडरिंग के अंदर जो आपके कॉर्नर है बिल्कुल स्मूथ है। हमने इस पे कोई भी एक्सटेंशन अप्लाई नहीं किया, ना कोई राउंड कॉर्नर अप्लाई किया, और उसके बाद भी हम इतना स्मूथ रिजल्ट कैसे लेके आ सकते हैं जो आपके रियलिस्टिक रेंडरिंग को और अच्छा बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले मटेरियल को मैं हटा के दूसरे वाले मटेरियल को मैं अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो कॉर्नर है वो आपके शार्प आ गए। एक तरीका जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि विद द हेल्प ऑफ राउंड कॉर्नर एक्सटेंशन आप क्या कर सकते हो कि राउंड कॉर्नर एक्सटेंशन पे क्लिक करो, किसी भी एज को सिलेक्ट करो, बाहर क्लिक करो, तो आप देखोगे जो आपके एजेस है वो आपके राउंड हो जाएंगे। बट आप इसके बिना अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये पेड है, सबको ये इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, तो बेटर है हम इसको करने से बेटर हम कुछ और आइडियाज यूज कर सकते हैं जिससे हमारे जो कॉर्नर्स हैं, जो आपकी एजिस हैं, वो आपके स्मूथ हो जाएंगे। तो मैंने अंडू किया। बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं अपने मटीरियल पे जाने वाला हूँ। मटीरियल पे जाने के बाद जो मटीरियल मैंने इस पे अप्लाई किया है, इस मटेरियल में जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे आप एक बम्प मटेरियल लगा हुआ है जो ऑलरेडी इसके ग्रेन्स के लिए है, जो टेक्सचर के लिए है। तो हम इसको ना छेड़ते हुए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करके यहाँ पे एक और बम्प लगाएंगे। क्लिक ऑन बम्प, और बम्प की प्रॉपर्टी पे जाके जो इसका टेक्सचर स्लोट है इस पे जाके हम क्लिक करेंगे एजिस। तो एजिस वाला टेक्सचर लेंगे और यहां से आप देख सकते हो एजिस का जो स्पेस है वो हम ठीक कर सकते हैं। इसको हम 2.7, 2.8, 3.3 जितना भी है उतना हम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। वो इसकी थिकनेस बढ़ाएगा बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद आपको बैक आ जाना है यहाँ से, और बैक आने के बाद मोड पे जाके बम्प मैप को हटा के बम्प टेक्सचर चैनल पे क्लिक कर देना है। तो आप देख पाओगे एकदम से जो आपका यहाँ पे व्यू है वो स्मूथ हो गया है विदाउट एनी अदर एक्सटेंशन। आप यहाँ पे अगर बम्प मैप करोगे तो नॉर्मल शार्प एजेस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपके एजेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। तो ये एक्सटेंशन के विदाउट आप काम कर सकते हो। अगर आपको और इसको स्मूथ करना है तो आप अपनी विड्थ को और बढ़ा सकते हो, तो आप देखोगे इसका स्मूथ इफेक्ट और बढ़ जाएगा जिससे आपकी जो रेंडरिंग आप करोगे उसकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी विदाउट एनी एक्सटेंशन इस तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो का टॉपिक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।